Assalamualaikum my dear friends, welcome in my YouTube channel Calligraphy. So आज हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है शाहत अजीम आबादी की ढूंढो के अगर मुल्कों मिलने को नहीं नायाब हैं हम. आज हम इस शेर की इस गज़ल की जो तशरीह वगैरह हैं क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे और फिर उससे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा वो चैप्टर शाहत अजीम आबादी का, ये उनके सवाने आया थे और ये रहे उनकी गज़ल जिसकी आज हम तशरीह करने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं. और हाँ आप फिर से बता दूँ कि जो गज़ल लिखने का तरीका, तशरीह करने का तरीका है मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ और उसका इंशाल्लाह जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको सही तरीके से किस तरह से तशरीह लिखी जाती है वो आ जाएगा समझ में. और आप चाहो तो मेरी जो इसी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो है नज़्म का, उसमें भी मैंने बताया है कि किस तरह से, मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया कि किस तरह से तशरीह लिखी जाती है, तो आप वो भी देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे आप सब बाकी जगह आप हवाले लिख सकते हो और हवाले में आपको मालूम है क्या लिखा जाता है कि जो आपका गज़ल का जो शेर है जिसकी आप तशरीह कर रहे हो, जिसको कि आप एक्सप्लेन करने वाले हो, इसको किस बुक के किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लिखने वाली कौन है. तो ये हमारी जो बुक नवाई उर्दू है तो हम लिख सकते हैं इस गज़ल के अशआर हमारी किताब नवाई उर्दू के सबक से लिए गए हैं, इसके लिखने वाले शाहत अजीम आबादी में. और फिर तशरीह आ जाएगी. तशरीह में तो ये बताया जाता है कि इसका मीनिंग क्या है इस शेर का. तो जैसे कि इसमें लिखा है कि ढूंढो कि अगर मुल्क मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर हैं जिसकी हसरत हो गम, ये हम नफ्सों वो ख्वाब हैं. वाह तशरीह है इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि ये गज़ल का मतलब है. शाहत कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लोग हमें मुल्कों ढूंढेंगे मगर हम किसी नायाब शे के मानंद हाथ नहीं आएंगे. हमारे साथियों याद रहे हम एक ऐसे ख्वाब की मानंद हो जाएंगे जिसकी ताबीर सिवाय हसरत और गम के कुछ भी नहीं है. हमें पाने की ख्वाहिश अधूरी रहेगी और ना मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा. मोस्टली क्या होता है कि जब चीज़ हमारे पास होती है, हमारे आसपास होती है, हमें होता है एहसास की वो चीज़ है, तब तक हमें कदर नहीं होती है उस चीज़ की. लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है तब हम सबसे ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि अब वो चीज़ है ही नहीं और फिर हम उसको जगह जगह ढूंढते हैं. लेकिन फिर उस टाइम मतलब नहीं होता ढूंढने से क्योंकि जो चीज़ चली गई तो वो चीज़ वापस नहीं आती. कई बार ऐसा होता है हम खो तो देते हैं बट हम फिर पा नहीं पाते. तो जब तक वक्त रहता है हम शायद उस चीज़ की कदर नहीं समझ पाते. तो इसमें शायर ने यही कहा है कि एक वक्त आएगा जब हम भी इस दुनिया से में नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, तब लोग हमें मुल्क ढूंढेंगे, तब हम एक नायाब शे की तरह हो जाएंगे. नायाब मतलब एक नायाब मीन्स होता है कीमती, जिसको पाना बहुत मुश्किल होता है. जब चीज़ें मिल रही होती है तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, हम हमारे लिए कीमती, लेकिन जब वो चीज़ें मालूम है कि अब हमें वो मिलेगी नहीं तो वो हमारे लिए एक नायाब शे की तरह हो जाती है. तो इसी तरह शायर ने कहा है कि जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो लोग हमें मुल्क ढूंढेंगे मगर हम किसी नायाब शे के मानंद हो जाएंगे, हाथ नहीं आएंगे. हमारे साथ ही याद रहे हम एक ऐसे ख्वाब के मानंद हो जाएंगे जिसकी ताबीर सिवाय हसरत और गम. हसरत मतलब एक तमन्ना ख्वाहिश के कुछ और नहीं रहेगी और गम मतलब कि हमें चाहिए, हमें पाना है लेकिन हम पा नहीं सकते. हमें पाने की ख्वाहिश अधूरी रहेगी और ना मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा, क्योंकि जब वक्त निकल जाता है तो फिर वक्त निकलने के बाद ही हमें अफसोस होता है कह सकते हैं कि हमारे हम पा सकते थे लेकिन हमने शायद ये कह लो कि वक्त की कदर नहीं की. और अमूमन ये होता है जब लोग चले जाते हैं तब उनकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है. नेक्स्ट शेर है ए शौक बता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ ना खुला, हम में ही दिल बेताब नहा या आप दिले बेताब हैं. इस शेर में शायर ने संत जाहिल आरफाना से काम लिया है. इससे मुराद है ये है कि जान बुझ कर अनजान बन जाना. अब इस शेर में जो है शायर जान बुझ कर अनजान बन रहे हैं. शायर जानता है कि वो खुद किसी के इश्क में बेचैन है मगर इस कैफियत को दिल की बेताबी से जाहिर कर रहा है. यानी शायर खुद तो बेताब है मगर ये समझता है कि मेरा पूरा वजूद बेताब नहीं, सिर्फ दिल बेताब है.
तो ये शौक बता, कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा न कुल, अब शायद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, कह सकते हैं अनजान बन रहा है, उसको मालूम है वो किस लिए परेशान है, वो किस लिए बेताब है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो सोचा कि सिर्फ दिल ही बेताब है, लेकिन नहीं, वो पूरा ही बेताब है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है कि नहीं हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा आगे जाके। तो इस शेयर में शायर ने अपनी इस कैफियत का इजहार किया है। हे दिल में तड़पते जी भर कर, पर पुरजोफ ने मशकें कस दी हैं, जो बंद और आतिश पर हो चढ़ा सीमा भी वो सीमा है हम। अब इस शेयर में शायर ने अपनी बेचैनी और तड़प बताने के लिए खुद को उस पेमापारा जैसा कहा है, जिस जो किसी मुंह बंद बर्तन में आग पर रखा हुआ हो, पारा जरा सी हरकत से आगे बढ़ता है। बुखार की हालत में थर्मामीटर में देखा जा सकता है, बर्तन का मुंह बंद होने की बिना पर वो बाहर नहीं आ सकता। कुछ ऐसी कैफियत आशिक की भी है कि वो इश्क में इस कदर कमज़ोर हो गया है कि लगता है किसी ने उसकी मशकें कस रखी हैं और वो जी भर कर तड़प भी नहीं सकता। हे दिल में तड़पते जी भर कर, पुरजोफ ने मशकें कस दी हैं, वो बंद और आतिश पर वो चढ़ा सीमा वो सीमा में। ये भी इजी है। फिर नेक्स्ट है, मैं हैरत और हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ, कुछ भी नहीं पाया भैया। अब इस शेर में शायर ये कह रहे हैं, कुछ लोग इश्क करना चाहते हैं मगर उन्हें हिचकिचाहट रहती है कि न जाने क्या हो। कमज़ोर आशिकों के लिए शायर ने एक तमसील के रूप में कहा है कि दरियाए मोहब्बत कह रहा है कि मैं इतना गहरा नहीं कि तुम पार ना कर सको, साहिल पर खड़े रहोगे तो हैरत और हसरत में मुब्तला रहोगे, मोहब्बत के दरिया में उतर जाओ, तुम इस पानी में चल कर उस पार पहुँच जाओगे। शायर ने इस शेर में इश्क पर और खोज करने के लिए नहीं बल्कि दावत अमल दे रहे हैं कि अगर ठान ली हो तो फिर दरिया इश्क में छलांग लगा दो। मैं हसरत और हैरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। तो ये भी इजी शेर था, समझ में आ गया होगा। स्पेशली ये शेर शायर ने किसके लिए कहा है, उन कमज़ोर आशिकों के लिए कहा है जो कि आगे नहीं बढ़ते और हैरत में साहिल पर खड़े रहते हैं। तो इसमें शायर ने क्या कहा है कि समुंदर कह रहा है कि मैं इतना गहरा नहीं हूँ कि तुम पार ना कर सको, तुम एक बार छलांग लगा कर देखो। मैं पाया मतलब जो कम गहरा होता है, समुंदर सामने तो हमें लगेगा ये बहुत गहरा है, लेकिन समुंदर किसका, इश्क का समुंदर जो होगा, ये कह रहा है कि मैं इतना गहरा नहीं हूँ, बस तुम्हारी हिम्मत की देर है कि तुम छलांग लगा दो, अगर एक बार छलांग लग गई तो तुम उस पार तक पहुंच जाओगे, नहीं तो साहिल पर ही हसरत लेकर खड़े रह जाओगे। और इतना ही कहा गया है इस शेर में। नेक्स्ट है, लाखों ही मुसाफिर चलते ही मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, ए अहले जमाना कद्र करो नायाब नहीं कमयाब है। शायद कहते हैं कि मंजिल पाने के लिए लाखों लोग सफ़र करते हैं मगर मंजिल तक कम ही पहुंचते हैं। यहाँ मंजिल से मुराद मंजिल इश्क है, इश्क तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन पार दो एक ही होते हैं। दूसरे मिसरे में शायद कहते हैं कि अहले ज़माने को हमारी कद्र करनी चाहिए कि हम वो हैं जिन्होंने इश्क की मंजिल को पा लिया। जैसे शायर कह रहे हैं कि लाखों ही मुसाफिर जा रहे थे, उसमें मुसाफिर मतलब आशिक जो हैं, इश्क तो बहुत से लोगों को होता है लेकिन जब मंजिल तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो शायर इसमें दूसरे शेर में कह रहे हैं कि दूसरे मिसरे में कह रहे हैं कि ए अहले ज़माना, अब वो ज़माने को कह रहे हैं कि हमारी कद्र करो कि हमने उस मंजिल को पार कर लिया है और हम क्या हैं, हम नायाब नहीं हैं, हम कमयाब, यानी कि उन कम लोगों में से हैं जिन्होंने इश्क की मंजिल को पार कर लिया, यानी हमारा शुमार ऐसे लोगों में होता है जो अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं, इसलिए हमारी कद्र करनी चाहिए। तो अच्छा समझ में आया कोई वाला शेर, लाखों मुसाफिर चलते हैं मंजिल पर पहुँचते हैं दो एक, ए अहले ज़माना कद्र करो नायाब नहीं कमयाब है। जिसमें शायर कह रहे हैं कि इश्क तो बहुत से यहाँ मंजिल से मुसाफिर मंजिल से मुराद मंजिल इश्क की है कि इश्क तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन कामयाब बहुत कम लोग हो पाते हैं, दो एक हो पाते हैं। और शायर कह रहे हैं कि मैं
उस मंजिल पर गया हूँ और वो मंजिल मैंने पार की है, तो इसलिए मैं नायाब नहीं बल्कि कमयाब हूँ। नायाब मतलब जो जिनको कि पाना मुश्किल हो, लेकिन अब वो शायद बोल रहा है कि मैं नायाब नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, कमयाब हूँ, यानी कि उन लोगों में शुमार हूँ जिन जो कि कम हैं, यानी कि इश्क की मंजिल पार करने वाले जिस तरह से कम है तो वह उन लोगों में शुमार है। मुर्गान कब्ज़ को फूलों ने एक शादी ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब हैं हम। मौसम बहार है और हर तरफ फूल खिले हुए हैं, मगर फूलों को चाहने वाले परिंदे बुलबुल पिंजरे में बंद हैं। शाद ने लहलाते हुए फूलों की जानिब से कहा है कि ए बुलबुलों, हमारी बहार देखनी है तो तुम कैद से रिहाई हासिल करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने तक हम मुरझा जाए, यानी कि जब तुम आओ तब तक बहुत लेट हो चुकी हो, तो आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब ही हम। नहीं तो जब वक्त गुजर जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं होता। तो ये भी बहुत ईजी सा शेयर था, उम्मीद करता आपको जो समझ में आया, और अगर आपको पूछा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज के पूछ सकते हैं, हम इससे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर ये रहे, नायाब है हमसे शायर की क्या मुराद है, लफ्ज नायाब के लगे मायने हैं ऐसी शे जिसे पाना आसान ना हो। बसा औकात नायाब इंतहाई कीमती शे के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसे हासिल करना आसान नहीं होता। यह नायाब है हमसे शायर की अपनी ज़ात मुराद है कि शाद जैसा शायर फिर नज़र नहीं आएगा, यानी मरने के बाद वो नायाब हो जाएंगे। गज़ल के पांचवें शेर की वजाहत करते हुए नायाब और कम याब का फ़र्क बयान कीजिए। ये शेर भी शायद ने अपने लिए कहा है कि ज़माने को हम जैसे लोगों की कद्र करनी चाहिए, हम अभी नायाब नहीं हुए अलबत्ता कम याब हैं, मतलब अभी हम नायाब नहीं हुए, अभी हम जिंदा हैं, कम याब लोगों में हैं क्योंकि हमने वो मंजिल पार कर ली, तो कम याब यानी हम जैसे लोग आमतौर पर नहीं मिलते, और जो शे आसानी से दस्तयाब नहीं होती उसे कमयाब कहा जाता है, और जिस शे को पाना मुमकिन ना हो वो नायाब है। जैसे इंसान मर जाए तो वो नायाब हो जाता है, हम उस शख्स को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन, हैरत और हसरत के मारे शायर से दरियाए मोहब्बत क्या कहता है। दरियाए मोहब्बत का कहना है कि मैं इस कदर गहरा नहीं हूँ कि तुम पार ना कर सको, इस दरिया में इतना कम पानी है कि तुम बआसानी चलकर उस पार पहुंच जाओगे। दूसरे आशिकों को हैरत और हसरत से ना देखो, खुद दरियाए मोहब्बत में उतरो। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और अगर आप कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब इट, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।